नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य रीता शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नए विषय को लेके आई हूं। आज का विषय है विवाह योग। तो आज मैं आपको थोड़ा सा विवाह योग के बारे में जानकारी दूंगी कि कुंडली में अगर ऐसे योग हो तो शादी के बाद क्या चमकती है हमारी किस्मत। मित्रों, मैं यहाँ यह बताना चाहूँगी कि किस्मत और मेहनत दो चीज़ें हैं जिनके पास जीवन में है वह जीवन में कामयाब होते हैं। मेहनत तो आपकी अपनी चीज़ होती है, लेकिन किस्मत तो हर व्यक्ति की अपनी नहीं होती। कुछ लोगों की किस्मत उनके बच्चों से, तो कुछ लोगों की किस्मत उनके माता पिता से, जबकि कुछ लोगों की अपने जीवन साथी से जुड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग खूब संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन विवाह के बाद उनके जीवन में अचानक से बदलाव हो जाता है और उनकी किस्मत उन पर मेहरबान हो जाती है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी यदि व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव को भाग स्थान बताया गया है और सप्तम भाव और सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। कुंडली में इन्हीं दो घरों के विश्लेषण से पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का भाग्योदय शादी के बाद होगा या नहीं। इसके साथ ही मित्रों, कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो शादी के बाद भाग्योदय की ओर इशारा करते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कुंडली में वह कौन से ऐसे योग हैं जो शादी के बाद व्यक्ति का भाग्योदय कराते हैं। तो मित्रों, ऐसे बहुत से योग हैं, पर आज मैं आपको केवल दो योगों के बारे में ही जानकारी बताने जा रही हूँ। पहला, ये जिस व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव का कारक ग्रह एवं सप्तमेश की स्थिति बलवान है, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। दूसरा, मित्रों, यदि व्यक्ति के कुंडली में सप्तमेश यानी सातवें घर का स्वामी, जैसे मेष राशि में सातवें घर का स्वामी शुक्र होगा, अगर इनकी कुंडली में शुक्र अपनी उच्च राशि यानी मीन राशि में हो, स्वराशि यानी तुला या वृष में हो, तो शुक्र की स्थिति विवाह या भाग स्थान पर हो, तब विवाह के बाद व्यक्ति की किस्मत के दरवाजे अवश्य खुल जाते हैं। ये तो मित्रों मैंने आपको एक साधारण सी जानकारी दी जिससे आपको पता लग सके, लेकिन वैसे ही मैं आपको एक दो टिप्स देना चाहूँगी कि जो लोग अपने भाग्य को लेकर परेशान रहते हैं, उनको लगता है हमारा भाग्य कब उदय होगा, तो उनको मैं छोटी सी ये जानकारी देना चाहूँगी कि आप प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फ्लावर यानी लाल गुलाब या कमल साथ में मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। इससे भी आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी किस्मत साथ देने लगेगी। दूसरा, मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि अपने पास जब भी किसी बाहर स्थान पे आप जा रहे होते हैं या अपने शुभ काम में जा रहे होते हैं, तो लाल रंग का फ्लावर अपने पास या लाल रंग का कपड़ा अपने पास अवश्य रखें। इससे भी माता लक्ष्मी आपका साथ देती रहेगी और आपका भाग्य धीरे धीरे उदय होता जाएगा। सो मित्रों, अगर मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।